हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर सईद मोहम्मद जॉन। जैसा कि हम अपने पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि एक बिल्डिंग बनाने में कौन कौन लोग काम करते हैं, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो उसमें मेरा पहला पॉइंट था सर्वेयर। तो सर्वेयर कौन होता है जो सर्वेइंग करता है, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो सर्वेइंग की डिफिनेशन जो है बुक में जो दी गई है वो इस तरह से दी गई है, सर्वेइंग इज़ द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द पॉइंट ऑन द अबव द और बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो पहले मैं इस जो डिफिनेशन इसका इस पार्ट को मैं देखता हूँ कि क्या बताया गया है कि ये आपकी अर्थ है। उसमें क्या, सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द पॉइंट। रिलेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट को मैं बिल्डिंग मान लेता हूँ। माना इस बिल्डिंग के पास एक कोई रिवर जा रही है, रोड जा रही है पास से, और थोड़ी दूर से कोई रिवर भी जा रही है। ठीक है, ये रिवर हो गई। तो मैंने रोड से इस बिल्डिंग को, रोड से ये रोड को रेफरेंस बना करके इस बिल्डिंग की दूरी तय मेज़र की, जो कि आई 20 मीटर की दूरी पे। और रिवर से मेज़र करी कि कितनी दूर पे है रिवर से ये बिल्डिंग, देखा कि 50 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो ये रेफरेंस के लिए जो रोड हो गया, रिवर हो गया, तो रिलेटिव पोजीशंस हो गए ये बिल्डिंग के लिए। ठीक है, अब इसमें जो पहला पॉइंट है रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द सरफेस, ये ऑन द सरफेस हो गया। अबव द सरफेस एंड बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये दो चीज़ें कैसे पता करेंगे? ये यही जो अर्थ है, ये अर्थ हो गई, अर्थ की सरफेस मैंने बना दी, ये बिल्डिंग बनाई और इसका कुछ हिस्सा नीचे है, कुछ हिस्सा ऊपर है, दो बेसमेंट है B1, ये B2, उसके ऊपर फ्लोर हैं, कुछ भी हो सकते हैं XYZ। इसके पास एक रोड बह, ये रोड है, जो पास में रोड थी, इसको मैंने कहा 0.00, यानी कि यहीं से हम मेज़र करेंगे 0.00, इसका लेबल 0.00 मान लिया। अब ये बेसमेंट की, अब मैंने इस बिल्डिंग की हाइट मेज़र करी इस रोड से, कि चेक किया रोड के से कितनी ऊपर बिल्डिंग गई हुई है, रोड से कितनी ऊपर बिल्डिंग गई हुई है। जो मैंने मेज़र किया वो 20 मीटर आया। अब रोड से ये कितनी ज़मीन के अंदर उतरी हुई है वो मेज़र किया, वो आया 10 मीटर। तो हमारा जो डिफिनेशन का एक पार्ट था रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये कंप्लीट हो गया। अब उसके आगे एक है बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन डिस्टेंस एंड एलिवेशन। तो उसमें जो बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस ये हो गया, डायरेक्शन, डायरेक्शन हमने बनाना है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और एलिवेशन, एलिवेशन मैंने आपको बनाया है। तो इस पॉइंट की हमने पोजीशन आपको बता दी, किस तरह बताई कि रोड से 20 मीटर की दूरी पे है ये पॉइंट, रिवर से 50 मीटर की दूरी पे है, और रिवर जो है ईस्ट में बह रही है, अगर ये नॉर्थ साउथ है, ईस्ट में बिल्डिंग के ईस्ट में रिवर है, नॉर्थ में रोड है। और हमने क्या बताया, इसका बेसमेंट जो है 10 मीटर पे, रोड से 10 मीटर गहराई पे है, और हाइट इसकी 20 मीटर है, यानी टोटल 20 + 10 हो गए 30 मीटर की हाइट हो गई बिल्डिंग की, बिल्डिंग के साइज़। तो ये आपको पता चल गया इस सर्वे का, यही सर्वे की डिफिनेशन होगी। सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द अबव द और बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस डायरेक्शन और एलिवेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद सर्वे कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सर्वे।
टाइप्स ऑफ सर्वे, जो कि बताया गया है सर्वे दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन प्लेन सर्वे, नंबर टू जियोडेटिक सर्वे। ये इन दोनों को एक हम डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये हमारा अर्थ है, अर्थ पे मुझे जो है सर्वे करना है। तो प्लेन सर्वे जो है और जियोडेटिक सर्वे कहाँ कहाँ करते हैं वो इस तरह समझते हैं कि प्लेन सर्वे से प्लेन जो वर्ल्ड है उससे पता चल रहा है कि प्लेन कोई प्लेन जहाँ का सर्वे करना है। अगर अर्थ को हम स्फेरिकल शेप में ना समझ के, अर्थ स्फेरिकल शेप में होती है, इसको स्फेरिकल शेप में ना समझ करके इसको जो है एक प्लेन समझते हैं, कंसिडर करते हैं। जैसे ये हमारा बोर्ड एक प्लेन है, इसमें कर्वेचर कोई नहीं है, कर्व कोई नहीं है। तो हम अगर अर्थ कर्वेचर कंसिडर नहीं करते हैं तो उस केस में प्लेन सर्वे होगा। अगर हम अर्थ को स्फेरिकल शेप में मान करके और उसका कंसिडर करते हैं कर्व को भी, तो उस केस में जियोडेटिक सर्वे होगा। ठीक है, और प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे कहाँ करते हैं उस पर बात करते हैं। अगर हम एक स्मॉल एरिया का मान ली सर्वे कर रहे हैं, इन दोनों के बीच हमने कॉर्ड खींची जो कि खींची नहीं जा सकती क्योंकि इतना माइनर सा कर्व है जो आंखों से बहुत ही दिखाई ना के बराबर दिख रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्लेन सर्वे करते हैं क्योंकि इतना कम कर्व नज़र आ रहा है कि जो नेग्लिजिबल है। अब यही हम ज़मीन का जो एरिया है जिसका हमें सर्वे करना है वो बड़ा एरिया है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कॉर्ड खींचा, अब आपको दिख रहा है कि कर्व नज़र आ रहा है क्योंकि बड़ा एरिया लिया तो कर्व साफ साफ नज़र आ रहा है। इस केस में हम लोग जो हैं जियोडेटिक सर्वे करते हैं। तो हमें इससे के ज़रिए पता चला कि प्लेन सर्वे जो है स्मॉल एरिया के लिए करते हैं और जियोडेटिक सर्वे जो करते हैं वो लार्ज एरिया के लिए करते हैं। और क्या स्मॉल एरिया, इसमें दूसरी चीज़ क्या, इसमें प्लेन सर्वे में कर्वेचर जो अर्थ कर्वेचर है नॉट कंसीडर, नहीं इसको नहीं मानते, प्लेन मानते हैं, इसमें कंसीडर किया जाता है। जियोडेटिक सर्वे कर्वेचर कंसीडर होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, स्मॉल ये जो प्लेन सर्वे होता है 250 स्क्वायर किलोमीटर एरिए से कम के लिए होता है, लेस देन। इसमें जियोडेटिक सर्वे में 250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो लैंड का होता है उससे बड़े एरिया के लिए किया जाता है, इस मोर देन। ठीक है, अब ये जो सर्वे कहाँ कहाँ किया जाता है, ये सर्वे PWD प्लेन सर्वे PWD में होता है, इरिगेशन में होता है, रेलवे में होता है, ETC। और जियोडेटिक सर्वे कहाँ कहाँ होते हैं, इसको सिर्फ सर्वे ऑफ इंडिया कराता है,
ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये लेक्चर जो है पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।